को हाइड कैसे करें और इसके फ़ायदे क्या है। अगर कोई नया व्यूवर आपके चैनल पे आता है तो सबसे पहले वो आपका सब्सक्राइबर देखता है। अगर आपके पास सब्सक्राइबर कम है तो उस बंदे को लगता है कि इसमें टैलेंट भी कम है, इसलिए इसके पास सब्सक्राइबर कम है, इसलिए वो आपका चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए चला जाता है। तो आइए देखते हैं कि अपने चैनल पे सब्सक्राइबर काउंट को हाइड कैसे करें। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है youtube.com। मेरे पास पहले से यूट्यूब का लोगो यहाँ पर है तो इस मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर दिख रहा है एरो का आइकन, उस पर क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइट पर टिक लगाना है। इससे आपको एंड्रॉयड फ़ोन में डेस्कटॉप की तरह साइट खुलेगा। तो सबसे पहले आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है और यहाँ पे YT स्टूडियो में जाना है, यानी यूट्यूब स्टूडियो में। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको नीचे दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है और इधर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आपको जाना है चैनल में। चैनल में जाने के बाद यहाँ पर तीन ऑप्शन दिख रहा है आपको, बेसिक इन्फॉर्मेशन, एडवांस सेटिंग और फ्यूचर एलिजिबिलिटी। तो आपको जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में जाने के बाद आपको सबसे नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आना है आपको। यहाँ पे लिखा है सब्सक्राइबर काउंट, लिखा है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब्ड टू माई चैनल। तो इसको टिक लगाए, तो इसको टिक लगा कर टिक लगाने पर ये हट जाएगा। तो यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है तो ये आपका सेव हो जाएगा। इसी तरह से आप अपने चैनल को सब्सक्राइबर काउंट को हाइड कर सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।